ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुंडलिनी चक्र के बारे में, जिसे कुंडलिनी महाविद्या या चक्र कह सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है और यह एक अद्भुत और विचित्र अनुभव है। जिसकी कुंडलिनी जागृत है या सात चक्र जागृत है, वो साधारण मानव नहीं रह जाता है, वह एक यौगिक और अलौकिक व्यक्ति हो जाता है। दुनिया के भौतिक सुखों से परे होकर ईश्वर की साधन में लीन हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहता है। इन सभी चक्रों को जागृत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूस चीज़ें चाहिए और किसी कुशल साधक के संरक्षण में करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट भी हो सकता है। हमारे सात चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और संस्कृदल चक्र। इन सातों चक्र के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो में आपको कुछ तो जानकारी चाहिए। तो मूलाधार चक्र के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इस चक्र का स्थान मेरुदंड के सबसे निचले स्थित होता है। इसका मूल मंत्र होता है लम। व्यक्ति को पहले प्राणायाम करके मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे चक्र जागृत होता है। इससे लाभ यह मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में लालच नाम की चीज खत्म हो जाती है और एक आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और जिंदगी में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ जाती है, हौसला मजबूत होता है, शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे यह चक्र स्थित है। इसका मूल मंत्र जो है वह है वम। यह चक्र जल तत्व से संबंधित है। इस चक्र के जागृत होने पर शारीरिक समस्या समाप्त हो जाती है। शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से होता है। इसके जागृत होने से जल तत्व का पूर्ण ज्ञान होता है, शारीरिक विकार का नाश हो जाता है और जल सिद्धि की प्राप्त हो जाती है, जल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर है मणिपुर चक्र। यह नाभि में स्थित होता है और इसके जागृत करने का मूल मंत्र है रम। इस चक्र को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा साधना की जरूरत होती है। यह चक्र जागृत होते हैं और व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। यह चक्र जागृत होते हैं, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई इसका ज्ञान होता है। यहाँ तक कि यह चक्र पूर्व जन्म का ज्ञान भी देता है, भाषा का ज्ञान देता है, अग्नि तत्व की सिद्धि देता है। फिर है अनाहत चक्र। यह चक्र व्यक्ति के हृदय चक्र में स्थित होता है। इसका मूल मंत्र यम है। व्यक्ति को यह चक्र जागृत करने के लिए हृदय पर ध्यान केंद्रित करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अनाहत चक्र जागृत होते ही व्यक्ति को बहुत बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है। यहां तक कि चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति सूक्ष्म रूप ले सकता है और शरीर त्यागने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आनंद प्राप्त होता है, श्रद्धा प्रेम जागृत होता है, वायु तत्व से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती है, योग शक्तियां प्राप्त होती है। फिर अविशुद्ध चक्र। यह चक्र का स्थान कंठ में होता है। व्यक्ति को कंठ पर अपना ध्यान एकत्रित कर हम हा के ऊपर बिंदी हम मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। विशुद्ध चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है। यह जागृत होते ही व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इस चक्र के जागृत होने से आयु वृद्धि होती है, संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है, शब्द का ज्ञान होता है और व्यक्ति विद्वान होता है। फिर है आज्ञा चक्र। यह चक्र भ्रू मध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होती है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है।
दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूरदृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मा ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। फिर है सहस्त्र दल चक्र। यह चक्र हमारे मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में भी जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, इसका मूल मंत्र है ओम है। यह चक्र जागृत होते ही अनंत सिद्धियां मिलती है। व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप से ले जा सकता है। वह अपनी इच्छा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही उसको अनंत लोक का ज्ञान होता है। वह पूर्ण होता है, वह देवतुल्य हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।